ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये वीडियो डाइवोर्स का पार्ट 4 है कि भाई क्यों नहीं लेना चाहिए आपको डाइवोर्स। तो पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो डाइवोर्स के फेवर में है, जो चाहते हैं कि भी डाइवोर्स हो, तो वो आप ना देखो और नीचे कमेंट में क्रिटिसाइज ना करो, ठीक है, पहले बता दूं आपको। और ये उनके लिए जिनको 50-50% बातें समझ में आ गई हैं कि हाँ यार डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए और वो फिर भी उनको थोड़ा डाउट है ना कि हाँ यार कुछ, तो उनके लिए ये वीडियो, तो वो देखें, ठीक है। अगर जिसने पक्का मन बना लिया डाइवोर्स तो भैया बंद कर दो ये वीडियो और जाओ कोई एडवोकेट हायर करो महंगा सा, ओके, उसको पैसे वैसे दो और अपना डाइवोर्स लो, चिल करो, ठीक है। ये उनके लिए जिनकी ना मतलब बुद्धि खराब हो रखी है और वो किसी के भी बहकाए में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ही है। एक तो ना ब्रेन वॉश होता है लोगों का बहुत सारा। एक तो क्या होगा, आपने देखा होगा ना सीरियल में क्या होता है, दिखाएंगे कि भाई उसका डाइवोर्स हो गया, मतलब नोटिस आएगा, कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे ना पूरा कोई फॉलो ही नहीं करता, सिविल प्रोसीजर तो कोई फॉलो ही नहीं करता, बस नोटिस आया ऐसे दिखाएंगे कि हाँ भाई डाइवोर्स हो जाएगा अब तो, ये है, फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। आपने देखा हुआ एक ना नाटक आता था बहुत साल पहले, कसौटी जिंदगी की, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाते थे भाई साहब, उसमें दिखाते थे कि एक लड़की थी ना वो प्रेरणा, वो कभी मिस्टर बजाज से शादी कर लेती थी डाइवोर्स लेके, फिर अनुराग से, फिर कभी ये कभी वो, तो ना बहुत लोगों का ब्रेन वॉश हुआ है, बहुत ब्रेन वॉश हुआ है, लेकिन वो कसौटी जिंदगी की नहीं, आपको ना रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी जिंदगी की देखनी चाहिए कि रियलिटी में क्या होता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब आप शादी करते हो ना तो अपनी मर्जी से करते हो, लेकिन जब आप डाइवोर्स लेते हो ना तो देखो कोर्ट की मर्जी से लेते हैं, ठीक है, कोर्ट यानी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, लेकिन कुछ को तो समझ में आ गई, अब कुछ को नहीं आती, अब क्या करें, ठीक है, तो वहाँ प्रूफ भी करना पड़ता है, ग्राउंड भी प्रूफ करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है ये ग्राउंड है जो क्रुएलिटी, ये अफेयर अफेयर, ये इतनी जल्दी प्रूफ हो जाते हैं? ऐसा नहीं है, क्रुएलिटी आप प्रूफ ही नहीं कर पाते मोस्टली केसेस में, इतनी जल्दी प्रूफ ही नहीं होता। सबको पता है हर घर में छोटी मोटी लड़ाई होती है, कुछ बोलते हैं कि यार चैट में मुझे गाली दी वाइफ ने और मेरा फोन नहीं उठाती, मेंटली हरासमेंट हो गया, वाह भाई वाह, मतलब इसको मेंटली हरासमेंट कहते हो, ठीक है चलो, लेकिन कोर्ट ये सब मानेगा नहीं, ठीक है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ, आप तो गुड फेथ में देखते हो कि हाँ यार डाइवोर्स हो जाए, ठीक है, मतलब अपनी, आपने तो अपना दुख बयान कर दिया, लेकिन भाई कोर्ट की भी तो देखो ना, कोर्ट की भी तो देखो, एक प्रोसीजर होता है, उसमें पहले इतने सारे पेंडिंग केस हैं, आपका नया केस आ गया, फिर वो सोचेगा कि प्रूफ दो, ये दो, और इसमें ना मतलब वकीलों का बहुत अच्छा रोल होता है, वो ना आपको बोलेंगे कि हाँ यार कि भाई आपको मतलब डाइवोर्स करा देंगे, ये करा देंगे, तो देखो यार मतलब फ्रेंकली बोलूँ तो ना मतलब आपको ना इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, पहले आपको इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि हाँ भाई ये ग्राउंड बनेगा, ये डाल दो, वो डाल दो, ठीक है, फिर बोलेंगे कि भाई कोर्ट है अब क्या करें, हमने तो आपका केस कर दिया, अब जज देगा फैसला, अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है, बस तो वहीं आपकी कहानी खराब होगी, क्यों, रेवेन्यू बनाना है सबको, तो बन गया रेवेन्यू, आपके लग गए, आपकी मतलब केस लग गया, ठीक है, और फिर आपको डेटों पे आना पड़ रहा है, बार बार घूमना पड़ रहा है, एक साल ऐसे ही लटक रहे हैं, और ठीक है फिर मेंटेनेंस का चक्कर पड़ता है, फिर जो बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी खराब होती है, समझ रहे हो, तो बहुत दिक्कत होती है। और यार ये ना मतलब जो ये चोचले हैं ना, आपको रियलिटी बताऊँ, ये डाइवोर्स वाइवोर्स, ये ना देखो यार अमीरों के चोचले हैं, ये ना गरीब आदमियों के बस की नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह गरीब हो तो इन चक्करों में ना पड़ो, ठीक है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, बहुत बड़ा चक्कर पड़ता है। इससे अच्छा है कि भाई आप ना जो आपस में जो मतभेद हुए ना उनको सुलझा लो, उनको ही सुलझा लो, फिर अपील का चक्कर पड़ता है बहुत सारा कि भाई अगली पार्टी ने अपील डाल दिया, लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, एक से एक वकील पड़े हैं, फिर उनको दिखा के, समझ रहे हो ना, तो इतना इजी नहीं है जितना आपको लगता है ना कि शादी हो जाती है, यानी कि ना शादी करना इजी है लेकिन ना उसको तोड़ना कानून वो इतना इजी नहीं है, ठीक है, तो आप समझिए। अगर आपके लगता है कि यार छोटा मोटा कोई डिस्प्यूट है तो उनको सुलझाओ। और कुछ लोग क्या होते हैं ना थर्ड पार्टियों के इंटरफेरेंस में आ जाते हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ है और कोई लड़का होगा और उसको हस्बैंड को बोल देगा ना भाई तेरी वाइफ ने ऐसा ऐसा, तो उनका मतलब उनकी बातों में आके ना अपनी वाइफ पे शक करते हैं, ठीक है, और सिमिलरली वाइफ के लिए भी है, किसी और की बातों में हस्बैंड पे शक करेंगे तो फिर डाइवोर्स वो बनेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने जो मतभेद हैं वो आपस में बैठ के सुलझाओ, तो डाइवोर्स वाइवोर्स आप ना लो, क्योंकि डाइवोर्स, अच्छा मान लो आप डाइवोर्स, पता क्या होता था पहले क्यों लेते थे डाइवोर्स, दूसरी शादी परफॉर्म करने के लिए, अब अडल्ट्री हटाई दिया है तो जो काम आपने बाद में करना था वो आप भी कर सकते हो, तो उसमें डाइवोर्स लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब, कहने का मतलब ये आप कोर्ट जाके डाइवोर्स मत लो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक साथ प्यार करो, एक साथ रहो, एक साथ करो, ये करो वो करो, मैं तो चाहता हूँ मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई आप बेशक एक कमरे में रहो, मतलब एक घर में रहो और अलग अलग सो या अलग अलग रूम में रहो, कोई मतलब नहीं है, बस ये कोर्ट जाके डाइवोर्स ना लो, ठीक है, कोर्ट जाके आप डाइवोर्स ना लो, बहुत लंबा पड़ेगा,
और वेस्टेज ऑफ मनी आपको पता ही है कोर्ट में हर डेट पे कितने मतलब, तो और कुछ लोगों को फिर भी समझ में नहीं आएगा ना, तो आप एक काम करना, जिसका डाइवोर्स केस चल रहा होगा ना किसी का भी आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर किसी का भी, अगर नहीं पता हो ना तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको बात करा दूंगा जिनका डाइवोर्स चल रहा है, ठीक है। तो वो भी हमें बोलते हैं कि यार पहले पता होती है बात तो ठीक रहता, तो वो भी फंस गए हैं। तो ये ना ट्रैप है, आपको डाइवोर्स में फंसाया जा रहा है, तो इन चक्करों में ना पड़ो। तो हाँ, तो बात ये थी कि अगर आपको भी लगता है कि फिर भी आपको डाउट है, तो आप क्या करो, उन लोगों से मिलो जिनका डाइवोर्स चल रहा है, केस में चल रहा है, मतलब कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है अभी, ओके। उनसे मिलो आप, आपको सब समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या फेस करना पड़ता है, हर चीज़ फेस करनी पड़ती है, कितना टाइम लगता है, मनी। वो सोचते हैं कि यार ये होता ही नहीं ना, तो ठीक रहता, उस दिन सही डिसीजन ले लेते कि भाई डाइवोर्स केस ना डालो गुस्से गुस्से में, तो सही रहता। तो अगर आपको बिल्कुल लाइव बातें सुननी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके, मैं आपको क्लाइंटों से बात करा दूंगा जिन जिनकी जो विक्टिम है वो आपको क्या कहेंगे, आप सोच लेना, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक बार और बोल दूँ, डाइवोर्स वाइवर्स ना लो, ठीक है। बेशक एक घर में रहो, अलग अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोर्ट जाके आप डाइवोर्स ना लो, और हो सके तो भैया जो आपकी जो गिले शिकवे हैं उनको मिटा लो, ओके। क्योंकि देखो एक वाइफ लड़की आती है, ठीक है, शादी होती है, तो होता है ना मतलब उसके साथ सब कुछ होता है, शादी वाले काम होते हैं सब कुछ, मतलब वो एक तरह से, और फिर एकदम डाइवोर्स, तो उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है दूसरी शादी करने के लिए, ठीक है। और एक तो ये ना मूवीज़ वगैरह ये सब झूठ है, ये ना आपके ब्रेन वॉश करते हैं, रियलिटी में जियो, वहाँ दिखाएंगे कि डाइवोर्स हो गया, ये कर दिया कोर्ट। देखो यार वो अलग है, वो बस कैमरे है, कैमरे के पीछे, और कैमरे के पीछे सब प्लानिंग से चलता है, रियल लाइफ में जियो आप, रियल लाइफ में, ठीक है। तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, पैसा भी वेस्ट होता है। आपको क्या लगता है कोर्ट में आप ऐसे जाओगे डाइवोर्स डाइवोर्स, तो इतना ईजी नहीं है जितना लगता है ना। तो समझो आप, प्यार से निपटा लो, और फैमिली मैटर ना, फैमिली मैटर में आपको जितना आपस में आप समझाओ मतलब सुलह करोगे ना, उतना ही ठीक है। क्योंकि ना हर पार्टी यानी कि हर पर्सन अगर आपको पता चलता है ना, तो फूट डालने के लिए आ जाते हैं। जैसे कि मान लो आप बोलते हैं कि हाँ यार डाइवोर्स लेना है, ठीक है, तो लड़के का वकील उसको अलग वो बताएगा कि हाँ भाई डाइवोर्स ले, ये वाला ग्राउंड है, देख ये बन रहा है, तेरी वाइफ भी ऐसी करती है, वाइफ का वकील अलग वो करेगा, ठीक है। तो मतलब बिजनेस हो गया है, तो इनके चक्कर में आप ना पड़ो, ठीक है। अपना आप डिस्क्रिश क्रिएशन यूज़ करो, अपनी सोच समझ यूज़ करो, भी आपकी फैमिली है, ठीक है, और आपको ही जीना है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो इससे ज़्यादा यार हम समझा नहीं सकते, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मेंटेनेंस देना पड़ता है सब कुछ, फाइनेंशियली भी, कस्टडी वस्टडी सब कुछ, ये पार्ट फोर बनाना पड़ रहा है। तो आप एक बार और सोच लो, जितना हो सके आपस में आप सुलझा लो, मत जाओ कोर्ट, टाइम वेस्ट है, और इतना टाइम लगेगा ना, आपको बताऊँ ना, इंडियन कोर्ट में इतने मामले पेंडिंग पड़े हैं, आपका जन पता नहीं मतलब जिंदगी जिंदगी ना बीत जाए, ठीक है। वो मूवीज़ देख देख के तो ब्रेन वॉश तो करो ना कि यार उसमें तो ऐसे कर देते हैं, उसमें कैसे कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप रियल लाइफ में जाके देखो, आप किसी दिन ना कोर्ट का विजिट करना, ठीक है। लोगों के ना बोल नहीं निकलते, ऐसे परेशान होते हैं बेचारे वहाँ पे, ऐसे यूँ पड़े हैं, यूँ विक्टिम होते हैं ना जो, जैसे कि जिनके केस चल रहा है ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे यूँ यूँ पड़े बेचारे, उनका बोल नहीं निकल रहा, अपनी तकलीफ नहीं बताई जा रही उनसे कि यार हमारे साथ ये हो गया, डोमेस्टिक हो गया, डाइवोर्स केस कर दिया, पैसे कहाँ से लाएं, ये करें वो करें। तो देखो अपना पैसा टाइम और अपनी इज्जत बचाओ, डाइवोर्स के चक्कर में ना पड़ो। अब आपका हो गया यार, एक हद भी तो होती है, देखो हर फैमिली में तो छोटी मोटी लड़ाई होती है, तो उसको सुलझा लो भैया, ठीक है। हस्बैंड हो या वाइफ हो, रिश्ते झुक के करने पड़ते हैं, तो थोड़ा आप झुको, ठीक है, कोर्ट वोट मत जाओ। और अगर ये जो डाइवोर्स हैं, देखो ये अमीरों के चोचले हैं, ये हमारे गरीब आदमियों के बस के नहीं है, आप भी हमारी मेरी तरह गरीब हो तो ये सब ना करें, ठीक है। ये मूवीज़ वगैरह ये और दिखाया जाता है, अब लोग ना होड़ करते हैं यार, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने ये करा वो करा, तो यार देखो उनकी होड़ नहीं है, ठीक है, उनका तो मतलब अलग ही रेवेन्यू है। आपको पता है सलमान खान एक फिल्म के ना 55 करोड़ रुपये लेता है एक फिल्म के, अब देख लो आप, तो समझ सकते हो आप, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो एक आम आदमी और एक सेलिब्रिटी में कितना फ़र्क है। तो आप उनके चक्कर में ना पड़ो, और ये ब्रेन वॉश करना छोड़ो, और किसी की बातों में ना हो, अपना डिस्क्रिशन यूज़ करो। हर फैमिली में लड़ाई होती है, तो वो सुलझाई भी जा सकती है, तो सुलझाओ, चिल करो, ओके। फिर भी कोई किसी को ज़्यादा ही वो है कि भाई डाइवोर्स डाइवोर्स, तो भैया डाइवोर्स लो और हमें भी पार्टी दो, ठीक है। जिनको ज़्यादा ही वो लगता है कि हमें भी, फिर हमें भी पार्टी दो, हम भी चिल करेंगे, ओके। तो फिर भी कोई डाउट है इस रिगार्डिंग, इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई दिक्कत परेशानी, तो भैया कमेंट वमेंट में लिख दो, ओके। अगर ज़्यादा ही पर्सनल क्वेरी है, तो आप इंस्टेंट रिप्लाई के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे नंबर है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ़ी पे करो, नॉमिनियल फीस है, तो वो पे करके आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे स्टाफ से आप बात कर सकते हो,
सो आई होप इट इज क्लियर. चिल मैन.